नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं एडवांस एक्सेल एंड वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक्स करना चाहूँगा कि मेरे 25,000 सब्सक्राइबर आपने पूरे कर दिए, और प्लीज़ इसी तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और मेरे नए नए वीडियोज़ का अपडेट पाते रहिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, नोटिफिकेशन जो घंटे का निशान है उसको ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको मेरी वीडियो मिल जाए। साथ ही स्क्रीन पर मेरा नंबर दिख रहा है, इस नंबर को भी सेव कर लें। इन फ्यूचर में कभी भी आपको अगर मुझसे एक्सेल की हेल्प चाहिए तो मुझसे ले सकते हैं। साथ में चाहो तो आप हमारी क्लासेज ज्वाइन कर सकते हो, हमारी ऑनलाइन क्लासेज होती है जो कि गो टू मीटिंग चैनल के थ्रू होती है, गो टू मीटिंग के जरिए लाइव होती है, जिसमें हम कंप्यूटर स्क्रीन को लाइव आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे टेलीकास्ट करते हैं। ये कैसे होता है इसके बारे में मैंने नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, उस लिंक को आप देख सकते हैं। क्लासेज मोबाइल से भी ले सकते हो और सेलफोन से भी ले सकते हो। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है कि किसी भी डेटा के अंदर में हम पहले बता दूं हम क्या किस पे काम कर रहे हैं। हम छोटे छोटे मैक्रो को बनाने, कुछ छोटे छोटे स्मॉल मैक्रोज को हम कोड कर रहे हैं ताकि आपको वीवीएम मैक्रो को सही ढंग से समझ में आए। और हम बात कर रहे हैं हीडर एंड फुटर की, हीडर्स की, कि आप अपने इसके अंदर डेटा के अंदर हीडर कैसे डालेंगे। जी हाँ, हीडर जो है, हीडर एंड फुटर्स कैसे डालोगे डेटा को, मैं प्रिंट करते समय हीडर एंड फुटर्स आना चाहिए। यह वीवी नॉर्मली तो हम यहाँ पेज सेटअप में जाके डाल देते हैं, लेकिन हम इसी वीवी मार्क के थ्रू करते हैं ताकि डायनेमिक हो सके। तो जाते हैं नया मॉड्यूल्स इंसर्ट करते हैं, और इस नए मॉड्यूल्स में हम यहाँ पे डालते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट क्लियर करते हैं, सब्जेक्ट हीडर HD के नाम से बना देते हैं। और कहीं एक ही एक्टिव वर्कशीट में बहुत सारी चीज़ डालनी है, तो मैं यहाँ पे विथ कमांड लेके चलता हूँ कि विथ एक्टिव वर्क, वर्कशीट में एक्टिव शीट ही दे सकते, सिर्फ एक्टिव शीट डॉट। अब यहाँ डॉट नहीं आ रहा है तो इसके जगह पे हम यहाँ पे कोई सीट का नेम ले लेते हैं, तो आए बाद में उसमें एक्टिव वर्कशीट से कन्वर्ट कर देंगे इस सीट वन डॉट नहीं। तो बेसिकली मैंने बहुत सारे शीट डिलीट किए हुए हैं ना, इसलिए नहीं आ रहा है। हाँ, शीट 19 है, तो शीट 19 डॉट हम यहाँ पे दे दिया पेज सेटअप। पेज सेटअप में अब यहाँ पे विथ लेफ्ट हीडर, लेफ्ट हीडर हम कुछ डालना चाहते हो डालो, अदरवाइज आप ब्लैंक कर सकते हो, या फिर किसी रेंज का रेफरेंस देना चाहो तो किसी रेंज का रेफरेंस में या रेंज का डाल सकते हो। फिर हम यहाँ पे देखते हैं डॉट सेंटर हीडर, तो सेंटर हीडर में भी आप कुछ डालना चाहो तो डाल सकते हो, या फिर आप इसके ये अलग कर सकते हो। सेंटर हीडर में मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ डेट, तो सिस्टम का डेट आना चाहिए। फिर यहाँ पे राइट हीडर, राइट हीडर इक्वल टू कुछ डालना है डालिए, अदरवाइज ब्लैंक कर सकते हैं आप। जैसे मैं यहाँ पे डाल दिया राइटर में सैंपल डेटा, उसके बाद यहाँ पे मैं डॉट, अगर फुटर लाना चाहते हो तो लेफ्ट फुटर, फुटर में आप क्या डालना चाहते हो फुटर डाल सकते हो आप, लेफ्ट सेंटर फुटर, सेंटर फुटर में यहाँ पे हम पेज डालना चाहते हैं, तो एंड के साथ, एंड के साथ हम यहाँ पे पेज कर देते हैं, सॉरी इसको नोट कर, तो पेज नंबर आ जाएगा वहाँ पे। ऐसे राइट फुटर डाल दीजिए, लेफ्ट फुटर डालिए, अदरवाइज आप यहाँ पे आप एंड विथ कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे मैं ये भी कर सकता हूँ कि सीट 19 डॉट नहीं एक्टिव विंडोज, माफ कीजिए एक्टिव विंडोज हो गया यहाँ पे एक्टिव, क्योंकि जो व्यू का पार्ट है वो विंडो का पार्ट होता है,
एक्टिव विंडोज डॉट व्यू इक्वल टू हम कर देते हैं एक्सेल नॉर्मल व्यू। ये जो यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे व्यू होते हैं, वो व्यू यहाँ नॉर्मल व्यू होते हैं। आंसर, अब मैं एक बार इस मैक्रो को रन करता हूँ, यहाँ से रन हो गया। अब मैं अगर प्रिंट कमांड दूँ तो आप यहाँ देखिए डेट आ गया, डेट आ गया, और यहाँ पे देखिए पेज नंबर दिख गया, एंड के साथ हम पेजेस डालें तो पेज नंबर आ गया। तो इस तरह से आप हीडर एंड फुटर डाल सकते हो। हीडर फुटर में ये तो नॉर्मली भी हम कर सकते थे, लेकिन ये करने का पर्पस यही था कि आप जो है इसका यूज जो है अपने ऑफिशियल लाइफ में अच्छे तरीके से कर सके और इसको डायनेमिक कर सके, हर पेज का पे उसका हीडर फुटर अलग अलग तरीके से चेंज हो, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो फ़ोन करके पूछिए, कमेंट में डालने से मैं हर कमेंट को हमेशा देखता नहीं रहता हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके, कमेंट करने के बजाय डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बातचीत कर सकते हैं, हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे DVD को परचेज कर सकते हैं। तो इसके लिए आप वेबसाइट ibtindia.com पर जाइए, वहाँ पर सारा डिटेल मिल जाएगा। कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।